जहाँ हम बात कर रहे थे अब ग्रुप्स की, के लोब्स की तो डिवीजन हो गई, अब ग्रुप्स की नेमिंग कैसे करनी जो हमारे पास सारे लोब्स को सेपरेट कर रही है। तो हम प्रीमोलर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। यहाँ से स्टार्ट करो, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाला ग्रुप, इसे हम कहेंगे डिस्टो बक्कल डेवलपमेंटल डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि ना सॉरी ग्रूव नहीं, यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन होंगे। यहाँ पे आप बात करें, ये हमारे पास प्रीमोलर है। यहाँ पे आप जब फील करेंगे ना, ये वाली, ये आपको भी नज़र भी आ रहा होगा, अभी मैं जिस पे लाइन ड्रॉ करूँगी, ये वाला, ये वाला, ये से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्टो बक्कल हो गया, तो ये कौन सी हो गया हमारे पास, मीजियो बक्कल हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया सेंट्रल ग्रूव। कौन सा, सेंट्रल ग्रूव। मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर की बात करें, डिस्टो बक्कल डेवलपमेंटल डिप्रेशन। ठीक है, ग्रूव्स होते हैं हमें ज़्यादा मोलर्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं, क्रूजल सरफेस पे, इस पर होते हैं। लेकिन जिस तरह लाइक हमने इसमें बात की सेंट्रल ग्रूव था, और इसमें भी बात करेंगे, ये हमारे पास हो गया मीजियो बक्कल डेवलपमेंटल डिप्रेशन, ये हमारे पास हो गया लिंगुअल ग्रूव, और ये हमारे पास हो गया सेंट्रल ग्रूव। क्लियर है। अब हम बात करते हैं मैंडिबल की, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में। डिस्टोबक्कल और म्यूजियोबक्कल लोब को कौन सेपरेट करेगा, ये वाला ग्रूव। तो किस ग्रूव को हम कहते हैं, बक्कल ग्रूव। म्यूजियोबक्कल और म्यूजियोलिंगुअल को सेपरेट करेगा सेंट्रल ग्रूव का म्यूजियल पोर्शन। ठीक है ये वाला सारा सेंट्रल ग्रूव ही, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में आ रहा है ना, लेकिन उसका म्यूजियल पोर्शन सेपरेट करेगा। अभी आपको इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम इसकी हर टीथ की सेपरेट सेपरेट मॉर्फोलॉजी करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब डिस्टोलिंगुअल और म्यूजियोलिंगुअल को कौन करेगा, डिस्टोलिंगुअल ग्रूव। और ये हमने कहा ये हमारे पास सेंट्रल ग्रूव का म्यूजियल पोर्शन था, ये डिस्टल साइड पर है, तो ये हमारे पास सेंट्रल ग्रूव का डिस्टल पोर्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। अब इसकी बात करें तो हमारे पास दोनों बक्कल लोब्स के दरमियान कौन सा होगा, बक्कल ग्रूव। ये तो सीधी सी बात है, दोनों लिंगुअल के दरमियान कौन सा होगा, लिंगुअल ग्रूव। ठीक है, अब ये हमारे पास सेंट्रल जा रहा है, सेम उसमें जितना बात की थी, ये हमारे पास सेंट्रल ग्रूव का मीजियल पोर्शन, ये सेंट्रल ग्रूव का डिस्टल पोर्शन। ठीक है, ये रह गया ये वाला जो डिस्टोबक्कल और डिस्टल को सेपरेट करेगा, इसे हम कहेंगे डिस्टोबक्कल ग्रूव। क्लियर है, ये ग्रूव्स अच्छे से करने हैं, आपके पेपर में भी आते हैं कि आपने जब ऑक्लूजल सरफेस ड्रॉ करनी होती है ना, उसमें भी, और आपसे ऑस्पी में भी पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है, हर टीथ के सेपरेट सेपरेट भी करेंगे, भी बस आप कॉन्सेप्ट के लिए माइंड में ही देख लें। डिस्टोबक्कल और म्यूजियोबक्कल को सेपरेट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, बक्कल ग्रूव। ठीक है, डिस्टोलिंगुअल म्यूजियोलिंगुअल को जो सेपरेट करेगा, लिंगुअल ग्रूव। ठीक है, ये सेंट्रल पोर्शन जा रहा है, सेम जैसा ऊपर किया, सेंट्रल ग्रूव का डिस्टल पार्ट, सेंट्रल ग्रूव का म्यूजियल पार्ट। बस इतनी सी बात थी। अगर इसमें कोई भी आपको चीज़ मुश्किल लग रही है, आप वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।